हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लैमिनेशन टू। ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन टू और मोर स्पीशीज ऑफ बेसिक सब्जेक्ट गोइंग विद द सेम बेसिक सब्जेक्ट आर कंपोनेंट ओवर वन अनदर गिविंग राइज टू कंपाउंड सब्जेक्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट। इन दिस एग्जाम्पल फिजिक्स मीन्स बेसिक सब्जेक्ट, क्वांटम बेसिक सब्जेक्ट, हीट बेसिक सब्जेक्ट। फिजन, इन दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन ए बेसिक सब्जेक्ट और एन आइसोलेट स्प्लिटेड इंटू टू डिवीजन सब डिवीजन एंड द प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट फिजिक्स फिजन इंटू द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर साउंड हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेशियम। देयर आर टू डिफरेंट टर्म टू डिनोट रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली। Dissection terms used to denote fission, which consider when the array of division of an isolate and basic subject results from fission. Fission मतलब जानते हैं split करना, मतलब तोड़ देना, है ना, उस चीज़ को तोड़ देना। ठीक है, उसके बाद denotation term is used to denote fission when we consider one and only one subdivision of an isolate or basic सब्जेक्ट रिजल्ट फ्रॉम फ्रिजन। एक इसमें डिसेशन है जिसमें क्या होता है, हम एरे ऑफ डिवीजन ऑफ एन आइसोलेट लेते हैं जो सब्जेक्ट में रिजल्ट करता है फ्रिजन से, और इसमें क्या करते हैं हम वन और ओनली वन सब डिवीजन ऑफ एन आइसोलेट लेते हैं बेसिक सब्जेक्ट का जो रिजल्ट करता है फ्रिजन से। ठीक है, अब फ्यूजन देखते हैं, फ्यूजन क्या है। चैप्टर फोर में फ्यूजन जो है, इन दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन टू और मोर बेस्ड मेन सब्जेक्ट आर फ्यूज टुगेदर इन सच अ वे डैट ईच ऑफ इट लूज इज इंडिविजुअलिटी। इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं कि हर कोई अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए शेड्यूल ऑफ एन आइसोलेट नीडेड टू फॉर्म ए कंपाउंड सब्जेक्ट गोइंग विद इट इटसेल्फ। एग्जाम्पल जियो फिजिक्स इज अ प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट अचीव बाय फ्यूजन of the geography and physics. Distillation, in this mode of formation of subjects a pure discipline is evaluated as a primary basic subject from an appearance of action in a diverse compound subject going with either different basic subject or one same basic subject. Distillation give rise to primary basic subject. Example, research methodology, management, microbiology or पॉजिटिव। देखिए ये क्या करती है, एम्फोसाइज डिस्टिलेशन में क्या है, मेन बेसिक सब्जेक्ट को जो है एम्फोसाइज करती है, जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्रोमिलेरेशन हो गया। 1969 में रंगनाथन ने एक्सप्लेन किया पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन, और 1973 में वैन द टर्म पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन रिप्लेस बाय एग्रोमिलेरेशन। नीला मैनगन डिफाइन एग्रोमिलेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग टुगेदर ऑफ आइडेंटिटी इनटू द लार्ज मास विदाउट कोहेरेंटिंग अमंग द कंपोनेंट्स। अब एग्रोमिलेरेशन दो काइंड्स के होते हैं। पहला एग्रोमिलेरेशन बनता है कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूएंट से, जैसे ह्यूमैनिटी से। दूसरा एग्रोमिलेरेशन बनता है नॉन कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूएंस है, जैसे इकोनॉमिक्स एंड लॉ। पहला तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूएंसेस से हो गया ह्यूमैनिटी, दूसरा नॉन कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूएंसेस हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स और लॉ, है ना। उसके बाद क्लस्टर हमारा आ जाता है। क्लस्टर, इन दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन ए काइंड ऑफ पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सब्जेक्ट इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इन फॉर कन्वीनियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च, द प्रिलिमिनरी रिजल्ट एंड द डाटा obtain in different basic subject or compound subject going with a different basic subject involved in the study of phenomena and identity are published in one and the same book distillatively for further investigation and evaluation independently by the स्पेशलिस्ट इन ए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। अब क्लस्टर में क्या होता है, इसमें इस तरह के मोड ऑफ फॉर्मेशन में न्यू काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव
पार्टियल कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ सब्जेक्ट फॉर्म होते हैं, है ना। जैसे कि इसमें कन्वीनियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च में द प्रिलिमिनरी रिजल्ट और डाटा ऑब्टेन हुआ डिफरेंट बेसिक सब्जेक्ट से और कंपाइंड सब्जेक्ट से, और फिर वो चला गया बेसिक सब्जेक्ट में इन द स्टडी ऑफ कुछ सब फिनोमिनास के लिए और आइडेंटिटीज के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है तोड़ देना, है ना, तोड़ दिया हमने उसको और उस चीज़ को हमने डिफरेंट किसी उसमें यूज़ कर लिया, ठीक है। सो ये हमारे थे, मैं आपको इसमें शुरू से समझा देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में पहला हमारा था लूज असेंबलेज, दूसरा था लैमिनेशन, तीसरा था फ्यूजन, चौथा फ्यूजन, पांचवा डिस्टिलेशन, सिक्स्थ है एग्रोमिलेशन और सेवन्थ है हमारा क्लस्टर। ये थे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के कॉम्पोनेंट्स, है ना, जो मैंने आपको समझाए और पढ़ाए। लास्ट वीडियो में मेरा ये रह गया था, लैमिनेशन टू से मैंने स्टार्ट किया था पार्ट टू, इसलिए पार्ट वन मैंने बता दिया था। पार्ट वन में दोबारा रिपीट कर देती हूँ अगर आपको समझ ना आया हो तो। पार्ट वन में लैमिनेशन में क्या होता है, क्या दिस फॉर्म ऑफ मोड्स ऑफ सब्जेक्ट में वन और मोर आइसोलेट फैसेट्स आर लैमिनेटेड ओवर ए बेसिक सब्जेक्ट गिविंग राइज टू कंपाउंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे इसमें हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिकल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इसमें क्या है लाइब्रेरी साइंस बेसिक सब्जेक्ट है, पीरियोडिकल आइसोलेट सब्जेक्ट है, क्लासिफिकेशन आइसोलेट पीरियोडिकल पीरियोडिकल आइसोलेट फैसेट्स है, क्लासिफिकेशन आइसोलेट फैसेट्स है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी आइसोलेट फैसेट्स है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हमें ये फाइंड किया कि ये कौन कौन सा बेसिक फैसेट्स है, कौन सा आइसोलेट फैसेट्स है, दो और दो से ज़्यादा, है ना, पूरे उसमें एग्जाम्पल में, ठीक है फ्रेंड्स। अब सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।